सबसे पहले रुक करते हैं जयपुर संभाग का, यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज शर्मा। प्रदेश की जीडीपी और अर्थव्यवस्था में किसानों और पशुपालकों का है अहम योगदान, कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। कहा उनकी हितों का रखेंगे बजट में पूरा ख्याल, साथ ही हर वर्ग के हितों का ख्याल रखते हुए बनाएंगे बजट। दो दिन तक बहुत सारे वर्गों से फीडबैक लेने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उन तमाम वर्गों के अहम सुझाव बजट में शामिल करने का सरकार प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि पशुपालक और किसानों का राज्य के बजट में अहम हिस्सा है और वे प्रदेश की जीडीपी और अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देते हैं। गहलोत ने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां विषम हैं और प्राकृतिक आपदाओं के बीच किसान पूरी मेहनत से अनाज उगाता है और प्रदेश के विकास में योगदान देता है। गहलोत ने कहा कि देश में आर्थिक मोर्चे पर बुरे हालात हैं। उन्होंने कहा कि राज्य ने केंद्र की हिस्सेदारी में भयंकर कटौती की है, कई योजनाओं में केंद्र की हिस्सा राशि में कटौती हुई है। किसानों ने पंजाब के फिरोजपुर फीडर के नहर सुदृढ़ीकरण, कर्ज माफी की पारदर्शी और न्यायसंगत व्यवस्था अपनाने, फसली ऋण वितरण सुनिश्चित करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का भुगतान समय पर करने, कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात नीति लागू करने, किसान कल्याण के लिए 1,000 करोड़ के कोष की स्थापना पर आभार जताया है। इस मौके पर गौण मंडियों को स्वतंत्र मंडी के रूप में विकसित करने, दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 2 रुपये प्रति लीटर अनुदान देने और मंडी के विकास कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति देने पर खुशी जताई गई। बजट मीटिंग हमेशा होती है किसानों के साथ में, उद्यमियों के साथ में, और जो सोशल वर्कर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, एनजीओ हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं। अच्छी मीटिंग हुई, सब ने अपने सुझाव दिए और प्री बजट मीटिंग है, पहले भी हुई है, अब भी हुई है, और उसी रूप में हम लोग उन सुझावों को देख करके बजट जब तैयार होगा उस वक्त में क्या क्या हम लोग उन सुझावों को स्वीकार कर सकते हैं वो सब प्रक्रिया चलेगी आगे। इस मौके पर पद्मश्री से सम्मानित किसान जगदीश पारिक ने मुख्यमंत्री को 25 किलो 200 ग्राम की गोभी भेंट की। यह गोभी उन्होंने पारंपरिक खेती के जरिए उगाई थी। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग का, यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव वैभव गहलोत आज जोधपुर द्वारे पर रहे। इस दौरान फलौदी में कृष्णा ऑर्बिट होटल का उद्घाटन करने के साथ ही उन्होंने मालियों के बास स्थित स्कूल में बामाशाहों द्वारा तैयार कराए गए कमरों का विधिवत रूप से लोकार्पण किया। यही नहीं, उन्होंने रणीसर में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कड़ी से कड़ी जोड़कर पंचायत चुनाव के साथ साथ जिला परिषद के जो चुनाव हैं उनको भी जीतने का आह्वान किया। यही नहीं, जिस तरीके से फलौदी पहुँचने पर कांग्रेस के नेता महेश व्यास और नगर पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास के नेतृत्व में जब उनका स्वागत किया तो यूथ भी बड़ी संख्या में उमड़ पड़ा। शिक्षा बहुत ही जरूरी है आज के परिप्रेक्ष्य में। जो समाज, जो वर्ग, जो जिला अच्छा शिक्षित होगा वही आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। हम हमारी युवा पीढ़ी को अगर शिक्षा की तरफ और अग्रसर करेंगे तो निश्चित तौर पे ना केवल हमारे जिले का, हमारे प्रदेश का नाम रोशन होगा बल्कि हो सकता है आने वाले समय में यही बच्चे एक दिन देश का नाम भी रोशन करेंगे। इस दौरान वैभव गहलोत के साथ में बिलाड़ा विधायक हीरालाल मेघवाल के अलावा लोहावट विधायक कृष्णराम बिश्नोई भी साथ रहे। यही नहीं, जोधपुर से आए कांग्रेस नेता रणवीर सिंह कछवा के अलावा कुंती देवड़ा, अनुजा विश्नोई के अलावा फलौदी और आसपास के इलाके के कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। और साथ ही वैभव गहलोत ने अपने हर संदेश में यही कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चाहे अकाल के हालात रहे हों, चाहे 3-3 बार जब मुख्यमंत्री बने, जब जब कलम हाथ में आई है उन्होंने राजस्थान के विकास में कसर नहीं छोड़ी है और वो अब प्रदेश में और जहाँ भी उनको मौका मिलेगा वो अपने क्षेत्र की वकालत करेंगे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए उन्हें जनता से आह्वान किया कि वे अपनी बात उनको बताएं, वे निश्चित उसके समाधान के लिए प्रयास करेंगे। और अब रुक करते हैं अजमेर संभाग का, यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी यूनुस गैसा। राजस्थान के मामईम राज्यपाल कलराज मिश्र आज अजमेर जिले के ब्यावर कस्बे के दौरे पर रहे।
दिव्यांगों को स्कूटी वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। आज राज्यपाल महोदय का नागौर दौरा भी था, लेकिन वो दौरा स्थगित हो गया क्योंकि मुंडवा वीर तेजा महिला शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सी आर चौधरी की पत्नी का निधन होने के चलते आज कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। अजमेर जिले के ब्यावर कस्बे में आज दिव्या कुमारी फाउंडेशन एवं महाराजा सवाई मान सिंह म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र ने शिरकत की। इस मौके पर महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि दिव्यांगों में विलक्षण प्रतिभाएं होती है, कृष्ण भक्ति में लीन सूरदास जी भी अपनी प्रतिभा के बल पर नया मुकाम प्राप्त किया गया और वर्तमान में दिव्यांग अपनी योग्यता के बलबूते उच्च पदों पर पदस्थापित है। समाज का कर्तव्य है कि दिव्यांगों की कमजोरियों को दूर करने के लिए सब वातावरण का निर्माण करें। समारोह में 25 दिव्यांगों को स्कूटी वितरण किया गया। राजसमंद सांसद दिव्या कुमारी ने कहा कि समाज का कोई भी वर्ग कमजोर है तो उसकी मदद के लिए आगे आए और बराबरी लाने का ये कार्य पुण्य का है। दिव्यांगों को सुविधाएं एवं अधिकार दिलाना हम सब की जिम्मेदारी है। ब्यावर के विधायक शंकर सिंह सभापति और दिव्यांग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा संविधान दिव्यांगों के लिए स्कूटी वितरित की जा रही है, ये स्वाभाविक रूप से बड़ा ही आकर्षण का केंद्र बिंदु है। दिव्यांग नाम दिया है भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने। सामाजिक रूप से या शारीरिक रूप से कमजोर है और उनकी अगर हम किसी भी प्रकार से मदद कर सके ना, तो वो सबसे बड़ा आज के जमाने में दान का काम है, पुण्य का काम है और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है। और उसके कर्तव्यों का वाचन भी करवाया गया, साथ ही लोक कलाकारों द्वारा लोक गीत भी प्रस्तुत किए गए। और अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं करौली से हमारे सहयोगी मनोज जैन। एक सप्ताह पहले लांगरा थाना क्षेत्र के माड़ीभाट गांव में एक किशोर तेजराम की हत्या करने के आरोपी डकैत रामवीर गुर्जर को पुलिस ने दबोच लिया है। एसपी अनिल कुमार बेनीवाल के नेतृत्व में जिला पुलिस की टीम को बड़ी कामयाबी मिली। आरोपी डकैत रामवीर पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित है, जिसके पास से एक 315 बोर की सिंगल शॉट राइफल और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि किशोर की हत्या के बाद ग्रामीणों में भय और तनाव का माहौल था। कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा ग्रामीणों के बीच पहुंचे, परिजनों को ढांढस बंधाया, साथ ही पुलिस कप्तान को डकैतों के खिलाफ अभियान चलाने और हत्या के आरोपी डकैत की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए। उसके बाद हमने एक स्पेशल टीम भी बनाई थी, ADF टीम, रामना जी जैसे जो सपोर्टर थे उनको उसका इंचार्ज बनाया और मैं खुद भी वहीं 7 दिन थाना क्षेत्र में कैंप कर रहा था और लगातार हम इसके पीछे थे। SP अनिल कुमार ने बताया कि वे स्वयं 7 दिन से लांगरा कैंप कर रहे थे। इसके अलावा आधा दर्जन थानों की टीम, ADF टीम डांग क्षेत्र में डकैत की सर्चिंग में लगी हुई थी। कल शाम को ADF टीम प्रभारी CI रामनाथ सिंह को डकैत के झिरी परम्परा क्षेत्र में होने की जानकारी मिली। इसके बाद में तीनों ओर से घेराबंदी की गई। ADF टीम ने हथियारों सहित जा रहे डकैत रामवीर को दबोच लिया। SP अनिल कुमार ने बताया कि डकैतों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी रहेगा, क्षेत्र में सक्रिय डकैत उनका आगामी लक्ष्य है। और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग का, यहां से बड़ी खबर बता रहे हैं चित्तौड़गढ़ से हमारे सहयोगी PK अग्रवाल। उदयपुर संभाग के चित्तौड़गढ़ में आज GST की टीमों ने संयुक्त रूप से बस्सी के एक व्यापारी की कार्रवाई की तो दूसरे व्यापारियों में हड़कंप मच गया। जॉइंट कमिश्नर रामलाल चौधरी के नेतृत्व में दिन भर चली कार्रवाई में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। फर्स्ट इंडिया को मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक बस्सी निवासी कैलाश चंद गदिया लंबे समय से मैसर्स पूनम ट्रेडर्स और मैसर्स लक्ष्मीनाथ इंटरप्राइजेज जैसी फर्में बनाकर कारोबार कर रहा था।
इनमें से एक फर्म का प्रोपराइटर प्रहलाद राय गदिया और दूसरी फर्म का प्रोपराइटर बस्सी निवासी उदयलाल भाट को बनाया हुआ था, जबकि उदयलाल भाट को इन फर्मों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। असिस्टेंट कमिश्नर काउंटर बिलिंग कानाराम, करणी सिंह, कुलवान सिंह के नेतृत्व में गठित टीमों द्वारा की गई सर्वे की कार्रवाई में सामने आया है मास्टरमाइंड कैलाश चंद गदिया ने दोनों फर्मों से करीब 500 करोड़ रुपए की आउटवर्ड सप्लाई की है और गोल्ड बुलियन एवं आयरन की इनवर्ड बिलिंग करवाकर आउटवर्ड सप्लाई में सोयाबीन के बिल जारी किए गए हैं। चित्रों में भीलवाड़ा राजसमंद की टीमों द्वारा की गई सर्वे की कार्रवाई में यह भी सामने आया है कि अभी तक इस तरह की फर्मों की चेन का खुलासा होना बाकी है और प्रथम दृष्टा करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी का आंकड़ा सामने आ रहा है। हालांकि अभी भी कार्रवाई जारी है। बताया यह भी जा रहा है कि कुछ दिन पूर्व बस्सी में नकली पेस्टिसाइड के बड़े स्तर पर काले कारोबार का खुलासा हुआ था, उसमें आरोपी राजू चचाड़ी के साथ कैलाश चंद गदिया की पार्टनरशिप थी, लेकिन पुलिस जांच में अभी तक कैलाश चंद गदिया का नाम नहीं आने से कैलाश चंद गदिया बचा हुआ था। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में अब देखने वाली बात यही होगी, जिस तरह से जीएसटी चोरी के मास्टरमाइंड कैलाश चंद गदिया ने कागजों में उदयलाल भाट को करोड़ों रुपए का व्यापारी बना रखा है, इस तरह से जांच में अभी कितने उदयलाल और सामने आते हैं जिनको कैलाश चंद गदिया ने करोड़ों रुपए के टर्नओवर का व्यापारी बना रखा है। हालांकि अभी जीएसटी की टीमों का सर्वे जारी है। और अब रुक करते हैं बीकानेर का, यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर में आज आयोजित हुआ शंभूशेखर सक्सेना राज्य स्तरीय पत्रकारिता एवं साहित्य पुरस्कार समारोह। इस समारोह में राजस्थान के साहित्यकार रामगोपाल राही, संजय प्रोहित और शंकर सिंह राजप्रोहित सहित पत्रकारों और फोटोग्राफर्स का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर लूणकणसर विधायक सुमित गोदारा मौजूद रहे, तो वहीं मेयर सुशीला कंवर राजप्रोहित, पूर्व कुलपति प्रोफेसर भागीरथ श्रीलाल मोहता सहित कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। विधायक सुमित गोदारा ने अपने प्रभावी उद्बोधन में कहा कि पत्रकार पर बड़ी जिम्मेदारी है, जरूरत इस बात की है कि वो जो भी लिखें सच लिखें, क्योंकि उनका लिखा और बोला हुआ लोग सच मानते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये सच है कि न केवल पत्रकारिता में बल्कि विभिन्न इंस्टीट्यूशंस में गिरावट आई है। दरअसल ये जरूरी है कि हम अपने आप को नैतिक तौर पर मजबूत करते हुए काम करें। उन्होंने अपना एक उदाहरण भी दिया कि किस तरह से एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी दैनिक ने पिछले चुनाव में उनकी लेकर एक खबर प्रसारित कर दी जो बिल्कुल झूठ थी। उन्होंने कहा जरूरत इस बात की है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी समझें। अभी हम कह रहे हैं कि आजादी के 75 साल हो रहे हैं 2022 में और इंडियन डेमोक्रेसी इज स्ट्रॉन्गेस्ट बिकॉज इट्स ऑफ कॉरेस्पोंडेंट एंड न्यूज़पेपर लाइक दिस, ऑल दोस पीपल, दोस जर्नलिस्ट, मीडिया मैन, दोस वेब स्ट्रॉन्गली फॉट अगेंस्ट द ट्रुथ एंड द राइट ऑफ द नेशन। उसी वजह से आज हमारा स्वतंत्र, हम कह रहे हैं कि आजाद भारत हमारे की मजबूती की ओर बढ़ रहा है। दूसरे देशों के मुकाबले हम देखें, हमारे यहाँ के पत्रकार, हमारे यहाँ के साहित्यकार, आपको लगे कि भारत में जो स्वतंत्रता है वो फिर भी पूरे विश्व में कई बहुत कम देशों में है जो हमें आज यहाँ पर स्वतंत्रता मिली हुई है। कार्यक्रम के आखिर में सचिव रेणु सक्सेना ने सबका आभार जताते हुए कहा कि हम कोशिश करते हैं कि जो बेहतर काम कर रहे हैं उनको इस मंच पर लाकर सम्मानित करें, क्योंकि सही अर्थों में खबर का सम्मान ही पत्रकार का सम्मान है। और अब रुक करते हैं कोटा का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भवर एचआर। कोचिंग सिटी कोटा के किशोर सागर तालाब की पाल पर आज फूलों की सुंदर बगिया सजी। तीन दिवसीय चंबल बायोडाइवर्सिटी फेस्टिवल के पहले दिन का आगाज इस खास पुष्प प्रदर्शनी के साथ हुआ है। कलेक्टर ओम प्रकाश कसेरा के साथ संभागायुक्त एलएन सोनी ने पहले प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और बाद में यहां सजी फूलों की सुंदर बगिया का अवलोकन किया। यहां पर दर्जनों प्रजातियों के रंग बिरंगे फूलों का संसार सजा हुआ है, जिनमें से कुछ फूल और कुछ फूलों के पौधे तो बेहद दुर्लभ प्रजातियों के बताए जा रहे हैं। इस फ्लावर शो में नगर विकास न्यास, नगर निगम, उद्यान विभाग और वन विभाग जैसे सरकारी विभागों के अलावा कई स्वयंसेवी संस्थाएं, कई कोचिंग संस्थान और साथ में पर्यावरण प्रेमी संगठनों के अलावा निजी पार्टिसिपेंट्स भी शिरकत कर रहे हैं। फूलों की इस बगिया का जायजा लेते हुए संभागीय आयुक्त एलएन सोनी ने कहा कि हमारा इस फ्लावर शो के माध्यम से आम आदमी को पर्यावरण प्रेम और प्रकृति संरक्षण के लिए तो संदेश यही है, लेकिन साथ ही हम कुदरत की खूबसूरती से भी कोटा के नागरिकों को रूबरू कराना चाहते हैं। आज कोटा में चंबल बायोडाइवर्सिटी फेस्टिवल का उद्घाटन हुआ, इसके बहाने हम पूरी जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि कुदरत के नज़दीक रहें, पॉजिटिविटी हम लोगों में डेवलप हो और नेचर की तरह हम आगे बढ़ें। यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं करीबन 25-30 से भी ज़्यादा लोगों ने, जिसमें सभी तरह के डिपार्टमेंट्स भी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी हैं, एनजीओज भी हैं, इंडिविजुअल्स भी हैं, उन सब ने अपनी प्रदर्शनी लगाई और बहुत अच्छा यहाँ पे देखने को मिला। बोनसाई पौधे, फूल और सभी तरह की प्रजातियाँ जो हैं।
तालाब की पाल के किनारे सजे रंग बिरंगे फूलों के इस सुंदर संसार में लोक संस्कृति के रंग भी घुल गए जब बारां जिले के अंता के वीर तजज ग्रुप के कलाकारों के द्वारा कच्चीगुड़ी नृत्य के साथ ही कई लोक सांस्कृतिक नृत्यों की प्रस्तुतियां भी फ्लावर शो के दौरान आकर के दी गई। तो वहीं फ्लावर शो के बाद संभागायुक्त एल एन सोनी और कलेक्टर ओम प्रकाश कसेरा की तरफ से आर्ट गैलरी में लगाई गई वाइल्ड लाइफ आर्ट एग्जीबिशन का भी उद्घाटन किया गया। तो वहीं फूलों की सुंदर बगिया के साथ ही एक और सुंदर नज़ारा भी देखने को मिला जब कोटा के कई मॉडल्स ने फूलों के बीच में आकर कैटवॉक किया और इस खास फ्लावर शो को अपने इस खास कैटवॉक के साथ प्रमोट करने का प्रयास किया। चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपने अपने संभाग से जुड़ी बड़ी खबरों से हमारे दर्शकों को अपडेट कराने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।